नमस्कार, मैं शशांक पांडे और आप देख रहे हैं NBC 24। राजद कार्यालय में तेज प्रताप यादव का आगमन हुआ था। तेज प्रताप यादव राजद कार्यालय पहुंचे थे और जनता दरबार लगाया था, छात्रों से मिले और छात्रों की समस्या को सुने। थोड़ी देर ही में जगदानंद सिंह वहां से उठकर चले गए, पत्रकारों से नाराज दिखे और गुस्से में पार्टी कार्यालय से निकल गए। तेज प्रताप यादव लगभग एक घंटे तक राजद कार्यालय में बैठे और वहां से निकलने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। क्या कुछ कहा है तेज प्रताप यादव ने, सुने उसे। जनता से मिलने के लिए आए, लड़कों से मिलने के लिए आए, बहुत दिन लंबा गैप हो गया था। अपना आए हम संगठन को मजबूत करने के। विपक्ष तरह तरह के आरोप लगा रहा था, कई लोग तो ऑफर भी दे रहे थे। विपक्ष कब हम लोग के हित का सोचता है, वो तो अहित का ही सोचता है विपक्ष, उसका तो काम है बोलना। अच्छा, कपिल शर्मा शो से भी आपके लिए ऑफर आया है, क्या करेंगे? जाएंगे उसमें, कपिल शर्मा ऑफर किए हैं तो उनके शो में कौन नहीं जाता है, सब लोग बड़े बड़े स्टार। अच्छा, दिल्ली भी आप पहुंचे थे, बहनों से राखी भी बंधवाई, पिताजी से भी मुलाकात हुई, क्या बात निकल कर सामने आई? बात क्या निकल के आएगी, क्या कुछ कहा? अब पारिवारिक बात होती है तो सब थोड़े मार्केट में डिस्क्लोज किया जाता है। अब आप अपनी बहन से बतियाएगा तो सोलह डिस्क्लोज कीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, आप हमेशा बोलते हैं और आपके प्यार को लोगों ने देखा भी है कि तेजस्वी यादव से किस तरीके से आप प्यार करते हैं, कई दफे वो चीजें सामने आई, लेकिन बीच में बहुत सारी बातें आई, कहा गया कि तेजस्वी भी नाराज हैं, तेज प्रताप भी नाराज हैं, क्या बात हुई तेजस्वी जी से? नहीं, नाराज कहाँ कोई है, नाराज कोई नहीं है, नाराज कोई नहीं है। हमने कहा संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लेकिन उस पर हमारा है कि शुरू से ही है कि अर्जुन को हम शुरू से ही सपोर्ट किए हैं और अभी भी सपोर्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कल कृष्ण जन्माष्टमी भी, सर कृष्ण जन्माष्टमी भी है और कृष्ण जी, हाँ माफ कीजिएगा, सबसे बड़ी बात है कि कृष्ण से भक्ति आपकी दिखती है, तो इस बार क्या होने जा रहा है? जन्माष्टमी मनाएंगे इस बार, आप लोग आइएगा, जन्माष्टमी मनाएंगे। अच्छा, आज पार्टी कार्यालय में सबसे बड़ी बात है कि आप काफी लंबे समय तक रहे, बहुत सारी चीजों का मुआयना किया, क्या कुछ देखा और आगे क्या कुछ करने वाले हैं? पार्टी में संगठन में बहुत सारे लड़के लोग आए, लोग जुड़ने के लिए भी आए, तो लोग से विचार पूछे, लोगों से क्या है मसला है, सब लोग अलग अलग जिलों से, अलग अलग पूरे बिहार में हर एक जगह से लोग आए, सब लोग से हम जानने का काम किया। तो मिलते जुलते रहते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है कि पार्टी कार्यालय आज ही आए हैं। देखिए, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो आरजेडी के यूथ कार्यकर्ता हैं उनका आप पर बहुत भरोसा है, फैन फॉलोइंग है। एक सवाल है मेरा सर, छात्र के लिए हमेशा हम लड़ने का काम किए हैं। आकाश यादव पर आपका बहुत भरोसा था और बीच में जो भी जो घटनाक्रम हुई उसमें कहीं ना कहीं उनकी उनकी वजह बताई गई, अब उन्होंने पाला बदल लिया है, क्या कहेंगे? आपके लिए कितना सेटबैक है और आगे क्या कर रहे हैं आप? कोई बेइज्जती सा करके रहेगा संगठन में, बताइए, मालिक जो काम करेगा उसको बेइज्जती किया जाएगा, उसको प्रताड़ित किया जाएगा, सोशल मीडिया पर लंथपंथ उसके बारे में लिखा जाएगा, तो कोई संगठन में रहेगा या आप रहोगे संगठन में? तो आप तो सर कह रहे हैं कि हम अपने छात्र जो युवा नेता है उनके लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं, तो फिर यहां क्यों पीछे हो गए? हम कहां पीछे हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम हमेशा लड़ाई लड़ते हैं। अब कोई बेइज्जती सा करके नहीं रहता ना, तो उनकी डिसीजन है, कोई बेइज्जती सा के संगठन में नहीं रहेगा। तो देखा आपने, तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पर कह दिया है कि आकाश यादव को लेकर, कि आकाश यादव को अगर आप प्रताड़ित करिएगा, फेसबुक पर कुछ कुछ लिखिएगा, तो वो पार्टी छोड़ के जाएगा ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें NBC 24।